दुनिया में कई सारे देश हैं और सभी देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है और यूनाइटेड स्टेट की डॉलर, और हर एक करेंसी का मूल्यमान उस देश के इकोनॉमिक के हिसाब से बदलता रहता है। किसी भी करेंसी के वैल्यू से आप उस देश की महंगाई और सस्ताई का पता लगा सकते हैं। करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और घटना पूरी तरह से देश की इकोनॉमी यानी कि उस देश की ग्रोथ पर निर्भर करता है। इसलिए आप कह सकते हैं जो देश जितना डेवलप है उस देश की मुद्रा यानी कि करेंसी उतना ही मजबूत हो सकता है। तो गाइस आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड के बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका अपना सूरज कुमार वर्ल्ड की नॉलेज में आपका स्वागत है। नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है कैनेडियन डॉलर। कनाडा इतने लंबे समय तक दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। कैनेडियन डॉलर के करेंसी कोड CAD है और 1 CAD का मूल्य 0.79 USD और 0.69 EUR है। कई इन्वेस्टर CAD में इतनी स्टेबिलिटी और बाजार मूल्य के कारण विदेशी करेंसी व्यापार मंच में निवेश करते हैं। यह कनाडा की राष्ट्रीय करेंसी है और विदेशी बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली और सबसे मजबूत करेंसी में से एक है। नंबर 9, तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है US डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। यही कारण है कि इतने सारे लोगों के पास यह मिथ है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है, लेकिन यह सच नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय करेंसी है जो दुनिया के सबसे मूल्यवान करेंसी के रूप में 9वें स्थान पर आती है। इस करेंसी का कोड USD है और 1 USD 0.9 यूरो है। इस करेंसी को विश्व आरक्षित करेंसी के रूप में जाना जाता है, और यह केवल इसलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप वाला देश है। इस दुनिया का लगभग हर देश इस करेंसी का उपयोग करता है और इसकी लोकप्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत महत्व है। नंबर 8, तो दोस्तों नंबर 8 पर आता है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय करेंसी है और स्विस फ्रैंक का करेंसी कोड CHF है। यह दुनिया की एक और सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान करेंसी है जो इस सूची में 8वें स्थान पर है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 1 CHF लगभग 1.09 USD और 0.96 EUR है। यह करेंसी लीगल टेंडर के रूप में भी काम करती है। ये सभी कारण हमेशा इस करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण मूल्य रखने में मदद करते हैं। नंबर 7, तो दोस्तों नंबर 7 पर आता है यूरोपियन यूरो। यूरोपियन यूरो यूरोपियन यूनियन का करेंसी है। यूरोपियन यूरो का करेंसी कोड यूरो है और वर्तमान मूल्य के अनुसार 1 यूरो लगभग 1.13 USD डॉलर है। यह करेंसी दुनिया भर में हाईएस्ट करेंसी एक्सचेंज भी कर रही है। यह करेंसी पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हो रही है और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस करेंसी का गढ़ है। अधिकांश यूरोपियन देश इस करेंसी का उपयोग करते हैं और मोस्ट इकोनॉमिक रूप के विकसित और वर्तमान दिनों में इसके मजबूती बाजार वैल्यू में एक और कारण है। नंबर 6, तो दोस्तों नंबर 6 पर आता है कैमन आइसलैंड डॉलर। कैमन आइसलैंड डॉलर कैमन आइलैंड की राष्ट्रीय करेंसी है और करेंसी कोड KYD है। यह करेंसी दुनिया के टॉप 10 सबसे अधिक मूल्य वाली करेंसी की सूची में 6वें स्थान पर है। वर्तमान मूल्य के अनुसार 1 KYD लगभग 1.20 USD और 1.06 यूरो है। इस करेंसी की घोषणा 1972 में की गई थी और अब इस द्वीप में पॉजिटिव ऑफर्स के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका गढ़ है। जैसे कि यह कई बैंकों के लिए लाइसेंस प्रदान करता है और बीमा कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में धन प्रदान करता है। नंबर 5, तो दोस्तों नंबर 5 पर आता है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा है, हायर प्राइस वाली करेंसी की सूची में ये 5वें स्थान पर आती है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का करेंसी कोड GBP है और वर्तमान मूल्य के अनुसार 1 GBP अब लगभग 1.36 USD और 1.20 यूरो है। ज्यादा तो लोग समझते हैं कि यह करेंसी सबसे मजबूत है, लेकिन फैक्ट की बात तो यह है कि यह 5वें स्थान पर समाप्त होता है। इस करेंसी का अपना अट्रैक्शन और इतने सारे ग्रेस के गिनने के बावजूद जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यह करेंसी अभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अच्छी स्थिति में है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नंबर 4, तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है जॉर्डन दिनार। जॉर्डन दिनार दुनिया के सबसे मूल्यवान मुद्राओं की सूची में 4थे नंबर पर आता है। यह जॉर्डन देश की करेंसी है और करेंसी कोड GOD है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 1 GOD लगभग 1.41 USD है और 1.24 यूरो है। 1946 में जॉर्डन एक स्वतंत्र राज्य बना और फिर 1950 से 1950 के इस देश ने इस राष्ट्रीय करेंसी की शुरुआत की। यह करेंसी 1955 में स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट से जुड़ी हुई थी। आज इस करेंसी के अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाईएस्ट करेंसी एक्सचेंज दरों में से एक है। दोस्तों केवल हायर पब्लिक के विश्वास से और मजबूती विदेशी निवेश के कारण। नंबर 3, तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है ओमन रायल। ओमन रायल ओमन की राष्ट्रीय करेंसी है जो अरेबियन पेनिनसुला पर एक देश है, और यह करेंसी अब दुनिया की हायर प्राइस करेंसी की सूची में 3रे स्थान पर है। ओमन रायल की करेंसी का कोड OMR है और आज 1 OMR लगभग 2.60 USD और 2.29 यूरो है। 1973 में ओमन रायल मुद्रा ओमान में जारी की गई थी। इस करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक मुद्रा एक्सचेंज रेट में से एक है, और यह केवल ओमान की आर्थिक स्थिति के कारण है। नंबर 2, तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है बहरीन दिनार। बहरीन दिनार बहरीन की राष्ट्रीय करेंसी है और इस करेंसी का कोड BSD है। करेंसी रेट के अनुसार 1 BSD लगभग 2.65 USD और 2.34 यूरो है। यह दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान करेंसी है। बहरीन दिनार का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत बाजार मूल्य है और यह बहुत स्थिर है। बहरीन दिनार को सरकार द्वारा 1965 में पेश किया गया था और उस समय यह देश एक ब्रिटिश संरक्षक था। तो दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड की नॉलेज में वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आप वर्ल्ड की नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं।
नंबर वन, तो दोस्तों नंबर वन पर आता है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, जिसका मूल्य 1 कुवैती दिनार इक्वल टू 3.30 यूएसडी होता है। दोस्तों कुवैती दिनार की करेंसी कोड KWD है। कुवैती दिनार कुवैत देश का राष्ट्रीय करेंसी है। इस करेंसी का इतना अधिक कीमत होना इस देश का विकसित होना है। कुवैती एक छोटे देश होने के बावजूद भी इतना अमीर है कि इसका अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं कि इस देश की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, कुवैती दिनार वर्ल्ड लेवल पर अपने तेल एक्सपोर्ट बाजार के कारण ही बहुत मूल्यवान है और विकसित बाजार में इसका बहुत मूल्य है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।